वेलकम टू वैरायटी वीडियोस, मैं वत्सल और आज की स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा पांच ऐसी बातें, पांच ऐसे मिथ्स स्मार्टफोन्स के बारे में जिसको अक्सर मानते हैं लोग सच, लेकिन है वो सरासर गलत। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल वैरायटी वीडियोस सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसी वक्त रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल पहुंच चुका है 5000 सब्सक्राइबर्स के बिल्कुल ही करीब। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो स्मार्टफोन्स के बारे में जो पहला मिथ है वो ये है कि लोग मानते हैं कि अगर हमारे मोबाइल के कैमरा के अंदर ज्यादा मेगापिक्सल है तो वो ज्यादा अच्छी पिक्चर्स क्लिक करेगा। ये बिल्कुल ही गलत बात है। पहले तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मेगापिक्सल का मतलब क्या होता है। तो हमारे मोबाइल के कैमरा के अंदर अगर 16 मेगापिक्सल है तो उसके सेंसर के अंदर 16 मिलियन पिक्सल्स होंगे। तो हर बार जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होगा वो ज्यादा अच्छी पिक्चर क्लिक करेगा, क्योंकि ये बात बहुत अदर फीचर्स पे भी डिपेंड करती है, जैसे कि उसका लेंस कैमरा का, उसका जो इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है कैमरा में, और उसका जो सेंसर होता है, ये सभी बातों पर निर्भर करता है कि वो कैसी पिक्चर्स क्लिक करेगा। तो कभी कभार आपने देखा होगा कि सैमसंग या फिर ऐसी कुछ अच्छी कंपनीज के 8 मेगापिक्सल के मोबाइल के कैमरे भी दूसरी कंपनी के 12 या फिर 16 मेगापिक्सल के कैमरे से भी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं। तो इसका यही मतलब है कि अगर आपके फोन के अंदर ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा अच्छी पिक्चर्स क्लिक करेगा। तो अगली बार जब आप फोन खरीदने जाए तो ये इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा मतलब ये बात नहीं है कि वो ज्यादा अच्छी और क्लियर पिक्चर्स क्लिक करेगा। इससे अच्छा है कि आप जो भी फोन खरीदना चाहे उसके कैमरा के सैंपल्स को एक बार टेस्ट कर ले, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि वो कैसी पिक्चर्स क्लिक कर सकता है। तो स्मार्टफोन्स के बारे में दूसरा जो मिथ है वो ये है कि लोग अक्सर मानते हैं कि हम अपने मोबाइल का जो कंपनी का जो साथ में चार्जर आता है सप्लाइड, उसके अलावा दूसरे चार्जर्स के अपने मोबाइल को चार्ज नहीं कर सकते, या फिर दूसरी ब्रांड के चार्जर्स अपने फोन को चार्ज नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। जो अच्छी कंपनी के चार्जर्स आते हैं, जैसे कि सैमसंग है, मोटोरोला है, या फिर आसूस है, और या फिर सिस्का है, और जैसे भी अच्छी जो ब्रांड आती है उसके चार्जर्स को आप दूसरे मोबाइल की कंपनी के फ़ोन के साथ चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। उससे आपकी फ़ोन की बैटरी या फिर फ़ोन को कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप इस तरह से दूसरी कंपनी का चार्जर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन के साथ जो चार्जर आया है वो 1 एम्पियर का है, और आपके पास अगर दूसरा अच्छी कंपनी का चार्जर है जो कि 2 एम्पियर का है, तो आप ऐसा नहीं है कि उसको नहीं लगा सकते, आप उसको बेशक लगा सकते हैं। आपका फ़ोन उसको जितनी भी पावर चाहिए होगी उतनी ही वो कंज्यूम करेगा और चार्जर में से उतनी ही पावर लेगा, और आपकी बैटरी या फिर फ़ोन को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो आप इस तरह से दूसरी कंपनी का चार्जर यूज़ कर सकते हैं। कभी कभार ये भी हो सकता है कि आपका फ़ोन फास्ट चार्जिंग या फिर क्विक चार्ज को सपोर्ट करता हो, लेकिन आपके कंपनी के साथ जो चार्जर आया है वो फास्ट चार्जर ना हो, तो आपके पास अगर दूसरा फास्ट चार्जर है तो आप उसके अंदर इंसर्ट करके यूज़ कर सकते हैं और आपके फ़ोन को फास्ट चार्ज भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि फेक या फिर लो क्वालिटी के चार्जर या फिर केबल्स का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, और जो स्टैंडर्ड चार्जर्स है उसी का इस्तेमाल करें और उसी केबल्स का इस्तेमाल करें। स्मार्टफोन्स के बारे में तीसरा मिथ है वो ये है कि हमें हमारे फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर हमेशा स्क्रीन प्रोटेक्टर या फिर टेम्पर्ड ग्लास लगाना चाहिए। ये गलत बात है, क्योंकि जो नए और मॉडर्न स्मार्टफोन्स आते हैं वो ज़्यादातर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ आते हैं। तो अगर आपके फ़ोन के अंदर स्क्रीन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास या फिर दूसरी तरह का स्क्रैच प्रूफ प्रोटेक्शन है, तो आपको उसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास या फिर स्क्रीन प्रोटेक्शन लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप उस फ़ोन को उसी तरह से नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन नॉर्मल यूज़ होता है तो उसके ऊपर इजीली स्क्रैचेस बिल्कुल स्क्रीन पे नहीं लगेंगे। हाँ, अगर आपका फ़ोन बहुत ही रफली यूज़ होता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपने फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर टेम्पर्ड ग्लास या फिर स्क्रीन प्रोटेक्शन ज़रूर रखना चाहिए। और हाँ, अगर आपके फ़ोन के अंदर कॉर्निंग ग्लास या फिर ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो फिर आपको टेम्पर्ड ग्लास का यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आपके फ़ोन के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास जैसा प्रोटेक्शन है तो आप टेम्पर्ड ग्लास का यूज़ ना करें, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो स्मार्टफोन्स के बारे में जो चौथा मिथ है वो ये है कि हमें अपने फ़ोन को ओवरनाइट चार्ज नहीं करना चाहिए, और अपने फ़ोन की बैटरी जब तक पूरी तरह से डिस्चार्ज ना हो तब तक उसको फिर से चार्ज नहीं करना चाहिए। तो बैटरी के बारे में जो ये बात है जो हमारे दिमाग में अक्सर रहती है, जो लोग बातें करते हैं, वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है।
तो अगर हमारा फोन हम ओवरनाइट चार्जिंग पे रखते हैं तो उससे हमारे फोन को डैमेज नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ रीजन इसका कि जो नए मॉडर्न स्मार्टफोन्स आते हैं उसके अंदर कट ऑफ सर्किट्स और सेंसर्स आते हैं। तो अगर आपका फोन एक बार 100% चार्ज हो गया तो आपका चार्जिंग उसी वक्त बंद हो जाएगा, और अगर आपने चार्जर को ऑन रख छोड़ा है फिर भी आपका फोन ओवर चार्ज नहीं होगा और आपकी बैटरी या फिर फोन को किसी तरह का डैमेज नहीं होगा। तो ये बात दिमाग में रखिए, अगर आपका फोन आप रात को चार्ज में रख के भूल जाते हैं या फिर 2-4 घंटे आपका फोन ज्यादा चार्ज हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपके फोन को या फिर बैटरी को कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात आते हैं कि अपने फोन की बैटरी को पूरी तरह से डिस्चार्ज होने दे, उसके बाद ही फोन को फिर से चार्ज के लिए रखें। तो ये बात भी गलत है, क्योंकि जो नए मॉडर्न स्मार्टफोन के अंदर जो लिथियम आयन बैटरीज और लैपटॉप्स के अंदर भी लिथियम आयन बैटरीज आती है, तो ये मॉडर्न बैटरीज है, तो इसके अंदर आपको उसकी बैटरी को पूरी तरह से डिस्चार्ज होने तक राह देखने की जरूरत नहीं है। आप उसको किसी भी वक्त चार्जिंग में फिर से लगा सकते हैं। अगर आपके फोन 60% बैटरी दिखा रहा है और उसको आप अगर चार्ज करना चाहते हैं तो उसको आप बेशक चार्जिंग में लगा सकते हैं, उससे आपके फोन या फिर बैटरी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो आपको 10% या फिर 15% तक बैटरी कम होने की राह देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने फोन को कभी भी चार्जिंग में लगा सकते हैं, और अगर ओवर चार्ज भी हो जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपके फोन को कोई तरह का डैमेज नहीं होगा। तो ये बात हो गई 4 मिथ्स की, और हमारा आखिरी और 5th मिथ है जो फोन्स के बारे में, वो ये है कि हमें हमारे फोन के अंदर बार बार जो बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन चलती रहती है उसको क्लोज करते रहना चाहिए, उसको बंद करते रहना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल गलत है। जो नए मॉडर्न स्मार्टफोन्स आते हैं उसके अंदर ज़्यादातर अब देखेंगे कि 2 GB या फिर 3 GB या फिर उससे भी ज़्यादा रैम आती है अब। तो ये जो फोन्स होते हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ को संभालने के लिए पहले से रेडी होते हैं। तो आपको अब ज़रूरत नहीं है कि आप अपने फ़ोन के अंदर बार बार एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड में रन करती है उसको क्लोज करते रहे, या फिर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का यूज़ करें जो कि ये इस तरह की सिस्टम मेमोरी को क्लीन करता हो या फिर एप्लीकेशंस को बंद करता हो। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जो सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड जो एप्लीकेशंस है वो बंद होगी तो आपका फ़ोन एक्चुअली में स्लो चलेगा, क्योंकि उस एप्लीकेशन को फिर से शुरू होने की ज़रूरत पड़ेगी और जो उस प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एक्चुअली अगर आप अपनी बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को बंद करेंगे तो आपका फ़ोन स्लो होने की संभावना भी ज़्यादा है। तो आपके फ़ोन के अंदर बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को आप बंद बार बार ना करें तो भी आपको फ़ोन में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको मालूम पड़ गया होगा कि हमारे स्मार्टफोन्स एक्चुअली में स्मार्ट हो चुके हैं। तो आपको अब ज़्यादा घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने जो बातें बताई आप उस बातों का ध्यान रखिए और मज़े से अपने स्मार्टफोन को यूज़ कीजिए। तो दोस्तों, मैंने आपको जो बातें बताई आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल लिखिए, और हाँ, मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम 5000 सब्सक्राइबर्स के बिल्कुल करीब है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय योर स्मार्टफोन।